किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार, किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, जब बन जब होशियार। किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। तो घना दिन में आयो यार। गाँव में आए थे रे। हाँ यार, तेरो काय हाल चाल छे? सब सब बढ़िया छे। आपस में पास कसो काय छे? सब बढ़िया छे। सब आवत मौत सब कंप्लीट? हां सब पारा मारा छाटिया कर दी। सब छाटी कर रेडी कर दिया। काय 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 दवा छाटिया कर यार? दवा न छाटिया करनो एनी बस। चल यार मारे खेत भाई देख के लीजिए कपास में पास कसो काय छे यार, न तुम को बता दीजिए। हां चल देखियो यार कपास में पास कसो काय छे। हां चल देखो ना। पानी कैसे रोकब, धन कैसे ऋण पावब, कैसे केचुआ खाद बनी उन बीज कहाँ पावब। जब जानकारी बढ़ी घर मोटर कार रही, सब दिन रखब नहीं तो इसने बेकार। किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। घंटा पड़ी रही, ये नहीं समझ में आओ तो यार काहे का वजह से यार? अरे यार एक में जिंक सल्फेट की कमी देख ही रही। हाँ? जिंक सल्फेट की कमी देख ही रही जगह में। वो यार सब पूरा घोर को हेरन मन को काय लगन काय नहीं कसी डीडी चलनो चाहिए पूरो। अरे यार पण एको इलाज प्रकाश भाई के दवा छाटी रो तो वका जाइन पूछा अपन। हां चलो का खेत में जाऊं पड़े यार। चलो जाई ना आवाज जरा। राम राम भाई यार कलेंगे आएगा यार। यार मेरे को कपास देखिए यार, मेरे को हमारे पास भी बीमारी आएगा, लाल लाल पांटा पड़ी रान कहीं कहीं का वो सब काय छाटिया कर यार प्रकाश भाई कपास में। हो जिंक कर मैग्नीशियम छाटी रोज यार भाई। काय काम कर रहे हो? अरे हो ये एकलेन छाटी रोज की ये जो अपना पत्ता जो लाल हुई रहा है पीला हुई रहा है ना पौधो मतलब झकरे रोज। हां एकलेन हो जिंक कर मैग्नीशियम छाटी रोज एक ही कमी छे। हाँ तो हमारा पास भी आसोच भी गयो यार, तो मन को यार प्रकाश का वहां देखी ना तो यार मन को पूछूंगा यार काय काय छाटी रोज यार। तो जिंक और मैग्नीशियम ये कम मात्रा में लगाए पर ये छाटी देवा तो एक पौधो अच्छो हरो भरो रहे और लाल नहीं होते है पौधो न पीड़ो नहीं पड़तो है और पत्ता अपना झड़ता नहीं है। प्रकाश भाई कितरो कितरो मिलाओ यार तू ये दवा ना ना एक काम काई काई लगा सो। हाँ? एक काम भाई देख जिंक सल्फेट लगा 100 ग्राम प्रति पंप। जिंक सल्फेट जैसे अपन नहाकांगे नहीं ओका नहाकना के लिए एक माप चाहिए अपन न कर। अब पानी लेना के लिए भाई साफ पानी खाद वालो पानी ढोर केर नहीं पे कहीं का लगा नहीं असो तो एक ड्रम ले लिया अपन। हाँ। साफ पानी की भाई वो काम खाद वालो पानी नहीं लगनो चाहिए और साफ पानी की एक गैलन ले छिड़काव करना के लिए अपन ने एक पंप लगा। हाँ। खाद पानी और दवा छाटना को पंप मोजा पहनना कान मुंडो बांधना कान रहे नहीं चश्मा लगाना कान टोपो लगाना कान वो नहीं तू लगाओ तो यार। हाँ भाई देख तूने अच्छी बात करी भाई मोजा छे वो मोस्को छे चश्मो छे ऐसी चीज ने कही छे कि जो ज्यादा जहरीली दवा न रहे। हाँ। वो काम अपन लगावा और यो तो कही छे कि अपन नॉर्मल खाद छे जैसे अपन खाद यूरिया खाद नहीं रहे नी आसो यो खाद छे नी ये काम कोई उसे विशेष ज्यादा दवा नहीं लगायो तो नहीं है। हाँ वो कौन यार मन को प्रकाश भाई लगायो क्यों नहीं उनके बस एका लेन नहीं लगा भाई यो खाद छे एका सी नहीं लगायो। पानी खत्म हो पचो घोल बनावना के लिए आईलो छे ने अभी एक काम मने 5 लीटर पानी नाखी दिल छे और बाद में कही छे कि 50 ग्राम को माप छे तो ये दुई माप एक 100 ग्राम नाखी दियो एक और 100 ग्राम नाखी कन एक अपन ने पानी नाख्यो तो मारो 10 लीटर तो पहले पानी साफ नाखेलो छे और अब यो पानी अपन साफ और ऊपर से नाकी देवांगा और नाकी कन एक फूल भर देवांगा। फूल भरी न जैसे कि अब यह फूल भराई गई है ने फूल भराई गई देखो ढक्कन लगाई कन अब छाटना को काम
चालू करानी। केना तरीका से छाटे यार बता तो भला हम। हाँ तो अभी छाटी रो नहीं ना तरीका से पूरी पत्ती ने नीचे से ऊपर तक अच्छी भीजी जानू चाहिए। वो नितरनू भी नहीं चाहिए पर भीजी जानू चाहिए नहीं आराम से। ये फर्स्ट क्लास ऐसी पत्ती ने पूरी भीजी जानू चाहिए नहीं का। तो एक ऐसी कह रहेगा कि पूरी पत्ती ने पी लेगा ना और अच्छी स्वस्थ हो जाएगा ना। प्रकाश भाई एक काम कहीं सावधानी भी रखनी पड़े। सावधानी तो भाई याद छे कि जैसे एक ही मात्रा कहेल छे कि यार 100 ग्राम नाखनो छे। हाँ। तो 100 ग्राम अपन एक काम डालेंगे काफी ज्यादा नहीं डालना। हाँ। क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो भाई नुकसान होएगा जो खाद छे। हाँ। भाई पत्तों जल जाए या नुकसान हो। और दूसरी सावधानी यह छे कि भाई होशियार आदमी छाटे। हाँ। और तीसरी सावधानी यह छे कि भाई चाहे तो यानी में से ठंडा मौसम में छाटो या संजा घड़ी ठंडा मौसम में छाटो और साफ मौसम में छाटो। ऐसा मौसम में छाटो कि भाई अपन ने साफ मौसम देख रहे कि आप पानी वाणी आना की गुंजाइश नहीं है। वना टाइम पर अपन अगर कभी एक छाटांगा तो अपन ने पूरा पूरा लाभ एक मिलेगा नहीं। हाँ ये तो सावधानी रखना जरूरी है नहीं। प्रकाश भाई जिंक सल्फेट छाटना से काई फायदा होएगा यार? भाई देख एक फायदा तो घन सारा छे पर एक फायदा मेन फायदा जो छे कि भाई ये पत्ती ने जो छे वो पत्ती ने पीली नहीं होएगा है नहीं लाल नहीं होएगा और पत्ती ने खराब नहीं होएगा। हाँ। तो पत्ती न से जो पौधो भोजन बनावे। हाँ पालो भी नहीं पड़ेगा और पत्ती ने हरी भरी रहेगा तो भोजन अच्छो बना होगा। हाँ। और भोजन अच्छो बना होगा तो पौधो स्वस्थ रहेगा। हाँ। और एकासी कही छे कि जिंक की और मैग्नीशियम की कमी से पत्ता लाल पड़े पीला पड़े। हाँ। तो ये पत्ता लाल पीला नहीं पड़ेगा और पत्ता स्वस्थ रहेगा हरा रहेगा तो भोजन अच्छो बना होगा। भोजन अच्छो बना होगा तो पौधो एकदम अच्छो स्वस्थ रहेगा। तो ओका से अपन फसल अपनी हरी भरी रहेगा और ओका से अपन लाभ अच्छो मिलेगा। तो ये लाभ छे भाई का। प्रकाश भाई तूने बहुत अच्छी मगर जानकारी बताई। हम भी हमारे खेत में जाए छाटूंगा ना और दूसरा लोग ना कभी राय बताऊंगा। कैलाश भाई तुका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर प्रकाश भाई का खेत में लाइन बताए थे यार वो ना आसो करे तो मगर हमारे खेत में करूंगा ना। हम भी दूसरा खेत में हमारे खेत में आगे छाटूंगा फिर दूसरा लोग ना राय बताऊंगा। तो यार तुम भी आशा करो। हाँ चलो बढ़िया छे भाई तुम भी करो और दूसरा ने कब बताओ तो मक भी अच्छा लगेगा और सभी भाई ने अच्छी फसल रहेगा तो सभी भाई खुश रहेगा। यो राम राम भाई सभी भाई किसान भाई ने राम राम। हाँ प्रकाश मुलेवा ग्राम बिलवाणी को रहने वालों छे तहसील राजपुर छे और जिलो बड़वाणी छे। और जिंक की जिना भी भाई का कमी छे जेका यहाँ भी पत्ता लाल हुई रहा या पीला हुई रहा है तो वो भाई जिंक सल्फेट डाला और जिंक सल्फेट डालोगा तो आपका हम 100% गारंटी लूँ कि आप तुम्हारा खेत में पत्ता लाल पीला नहीं पड़ेगा और तुम्हारी फसल हरी भरी रहेगा। सभी भाई ने मारो यो संदेश छे और सभी भाई डालो और सभी भाई अच्छो कपास उत्पादन करो। ये आज मारी सब नसी विनती छे। भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। ज्ञान बढ़ाए के पुनर सीख के ज्ञान बढ़ाए के पुनर सीख के जब बन जब होशियार।